नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने 5 मार्च को दूसरी शादी की। गुपचुप तरीके से की गई उनकी इस शादी ने फैंस को निराश किया। शादी के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि भोजपुरी एक्ट्रेस गागी पंडित प्रियंका पंडित भी एक्टर पवन सिंह से शादी करना चाहती थी। पवन और गागी की ये शादी एक जाति ना होने के कारण नहीं हो पाई। गागी ने बताया कि अगर वह भी सिंह होती तो उनसे शादी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गागी ने कहा, मैं पंडित हूँ इसलिए मेरी शादी पंडित से ही होगी। पवन एक अच्छे इंसान है। गागी ने प्रदीप पांडेय चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से कोर्ट के सेट पर शूट के बाद ये बातें शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी शादी से पूरी इंडस्ट्री खुश है, मैं भी खुश हूँ। पवन की नई नवेली दुल्हन ज्योति सिंह बहुत खूबसूरत और प्यारी है। उनकी जोड़ी को देखकर कोई भी कह सकता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दो फिल्मों में किया साथ काम। गागी के फिल्मी करियर की बात करें तो गागी पंडित ने पवन सिंह के साथ दो फिल्मों कर्ज विरासत और लागी नहीं छूटे रामा में काम किया है। गागी ने बताया कि पवन के साथ काम करना उन्हें अच्छा लगता है। ज्योति से की दूसरी शादी। पवन सिंह की पहली शादी की बात करें तो उनकी पत्नी ने 2015 में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उन्होंने परिवार की रजामंदी से दूसरी शादी की। पवन सिंह ने पहले 5 मार्च को बलिया के कोर्ट में ज्योति सिंह से रजिस्टर्ड मैरिज की। पवन सिंह की पत्नी बलिया शहर के टीडी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं। बीए की पढ़ाई के साथ ही पिछले कुछ महीने से ज्योति बनारस के एक इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रही हैं। ज्योति के पिता का नाम रामबाबू सिंह है। ज्योति परिवार की 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी हैं।